बच्चों, आज हम स्टार्ट कर चुके हैं बेटा आपकी कौन सी एक्सरसाइज 5.1 में। बेटा प्रश्न 3 तक हम लोग कर चुके, 4 तक कर चुके थे। प्रश्न 5 देखते हैं, 4 के ऐसे 3 पूरक लिखने हैं जो कि 25 से बड़े हैं। प्रश्न 5, 25 से बड़े 5 के पूरक, 4 के 3 ऐसे पूरक, 4 के ऐसे 3 पूरक जो 25 से बड़े हैं। हुआ बेटा, 25 से बड़े कौन कौन से हैं? 27 बेटा, 4 की टेबल में 25 से बड़ा 28, 32 और 36 जो कि 25 से बड़े हैं। 4 का टेबल पढ़ते जाओ, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, 4 फाइव जा 20, 4 सिक्स जा 24, 4 सेवन जा 28। 25 से बड़ा लिख दिया, 4 एट जा 32 लिख दिया, 32, 4 नाइन जा 36, 36 ये भी लिख दिया। 3 नंबर लिख लेते हैं, हमें 3 पूरक लिख लेते हैं, 3 पूरक हमने लिख दिए। प्रश्न 6 कह रहा है आपसे 2 व 5 का सबसे समान पूरक लिखिए, तो आप क्या करोगे बेटा? प्रश्न 6 में पहले 2 के पूरक लिखोगे, 2 के पूरक कौन कौन से होंगे बेटा? 2, 4, 6, 8 और 10 आगे भी होते हैं, लिख देते हैं। अब हमें लिखना है 5 के, कौन से? 5 के गुणज, 5 के कौन कौन से होंगे बेटा? 5, 10, 15 आगे, ठीक है। अब हमें दोनों में समान गुणज देखना था, तो सबसे छोटा समान गुणज 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा बेटा? 10। कितना होगा? 10, जो कि 10 दोनों की टेबल में आ रहा है। फिर से एक बार समझ लो, 2 के पूरक लिख लो, 2 का टेबल, 5 के पूरक लिख लो, जो सबसे पहले छोटा नंबर मैच कर रहा होगा वो यहाँ आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा, 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, प्रश्न 7 देखते हैं बेटा। प्रश्न 7 में भी आपको क्या पूछा गया है? 8 व 12 के सबसे छोटे समान गुणज, 8 व 12 के, तो 8 के गुणज
जब तक कि इन तीनों में कोई कॉमन ना मिले। पंद्रह